आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइसर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके साथ पिवट टेबल में एक्सटर्नल पिवट टेबल, और हम बात करते हैं स्लाइसर्स के बारे में। स्लाइसर्स पिवट पे भी वर्क करता है, टेबल पे भी वर्क करता है। तो क्या करते हैं स्लाइसर से, चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे सामने, आपके सामने मेरे एक डेटा है, मैं इस पे एक पिवट लगाता पिवट एंड उसके बाद मैंने यहां पे मान लीजिए कि डिपार्टमेंट और सैलरी ले लिया। तो यहां पे जो सैलरी दिख रहा है ये ओवरऑल दिख रहा है कंप्लीट का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं ओवरऑल नहीं करना चाहता, राइट? मैं ओवरऑल, मुझे एक पर्टिकुलर मंथ का चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि मंथ को फिल्टर में रख लेते हैं। मंथ के साथ मुझे परफॉर्मेंस स्कोर के हिसाब से भी सैलरी देखनी है, तो हम परफॉर्मेंस स्कोर को भी रख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे मंथ में जाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ अप्रैल पे सिलेक्ट किया एंड ओके किया। यहाँ पे आपके सामने अप्रैल का टोटल आता है। अब अप्रैल में क्लिक करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर परफॉर्मेंस स्कोर है। अब मान लीजिए परफॉर्मेंस स्कोर हमने 2 सिलेक्ट किया, तो परफॉर्मेंस स्कोर में 2 में डेटा नहीं है सर। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे 2 नहीं है तो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी ना, एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ जाएगा क्या जी। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरी कि जब मेरे पास अगर 2-3 पीवर्ड्स होंगे तो फिल्टर किसी एक पे वर्क करेगा, सब पे वर्क नहीं करेगा, सबका अलग अलग फिल्टर होगा। तो यहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी केस में हम इस फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे। स्लाइसर को आप पिवट टेबल टूल्स में भी जाके ले सकते हो, या फिर इंसर्ट में आपके पास स्लाइसर है, क्योंकि स्लाइसर पिवट को सपोर्ट करता है, बट पिवट का पार्ट नहीं है, समझ गए? उसके बाद मैंने यहाँ पे मंथ और परफॉर्मेंस स्कोर को क्लिक ओके कर देता। अब यहाँ पे एक बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए कि मैंने फरवरी को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे फरवरी का डेटा है, और फरवरी महीने में जो नहीं है वो नीचे चला गया और वो हाईलाइट नहीं है। देखिए हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड नहीं है, जबकि अप्रैल में मैंने सिलेक्ट कर लिया, मई में सिलेक्ट किया, मई में सब कुछ है, जून में सिलेक्ट किया, जून में 3 नहीं है। और आप इसमें एक से ज्यादा मंथ सिलेक्ट करना चाहो तो क्लिक करते हुए आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, कई सारे मंथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके जी सर। सर इसमें जो हम मंथ सिलेक्ट करेंगे ऊपर से 3000, तो फिर जो परफॉर्मेंस नहीं रहेंगे तो हाईलाइट दिखाएगा कि हाईलाइट दिखाएगा? जैसे कि नहीं समझा, मतलब कि नहीं समझे, जैसे कि आपको एक देखना है कि मुझे अगर किसी पर्टिकुलर मंथ का देखना है तो मैं उस मंथ को सिलेक्ट कर लूंगा। अब उस महीने में हमारे पास एक और फिल्टर है परफॉर्मेंस स्कोर पे, और उस इस महीने में हमारा 3 नहीं है, 3 को सबसे नीचे डाल दिया, देखिए आपने, और उसको डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब कि हाईलाइट नहीं है। तो इससे पता चल जाता है कि 3 इसमें नहीं, बट इससे पहले वाले पीपल नॉर्मल फिल्टर अगर बनाते हैं, नॉर्मल फिल्टर जो यहाँ से लगता है उसमें पता नहीं चलता है। हम सिलेक्ट करते हैं, डेटा जो हमारे पास नहीं आता है तो पता चलता है। इशार जी गुड इवनिंग। हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, अभी आया हूँ। अभी क्या क्या करवा दिए सर? बस स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट हुआ होगा। तो यहाँ पे चला सर, आपके यहाँ पे अगर मैंने जून सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जून में 3 नहीं है, नहीं है 3 सर, बट यहाँ शो कर रहा है। नहीं सर, तो मैं कंफ्यूजन होगी, अगर 3 को सिलेक्ट करके देखेंगे जब डेटा नहीं आएगा तो पता चलेगा ओ नहीं नहीं है इसमें, लेकिन स्लाइसर हमें बेनिफिट देता है। समझ में आ गया?
जी सर। स्लाइसर ये पहला रोल था। पहला रोल आपने देखा कि पिवट में फिल्टर को इजी कर देता है, ठीक है जी। अब दूसरा रोल है कि हमारे पास जो डेटा है, अब मुझे इस डेटा में डिफरेंट एंगल से कई सारे पिवट्स लगाने हैं और उसकी हमें एक समरी भी बनानी है। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको हम कुछ फाइल्स देंगे और आपको कुछ ऐसा बनाना होगा, ठीक है जी। जैसे कि मैं एक मिनट डिलीट कर देता हूँ फाइल चीज को। मैंने यहाँ पे समरी ले ली, तो समरी पे मैं कुछ ग्राफिकल इंटरफेस देना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट किया पिवट टेबल। नया पिवट टेबल हमारा ऐड हो गया। पिवट टेबल में मैंने नया हमें चाहिए डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का टोटल, ठीक है। फिर मुझे अगले पिवट में सैलरी का एवरेज चाहिए, फिर उसे कितने काउंट ऑफ ए चाहिए, काउंट ऑफ एम्प्लॉई, ऐसे अलग अलग एंगल में चाहिए क्योंकि हम इसको चार्ट के जरिए दर्शाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने इसको इसको सैलरी को इसमें एक बार और रखा और इसको एवरेज ऑफ सैलरी कर दिया तो यहाँ देखने में तो ठीक है और आपको अगर स्टैटिक शो करना है तो ठीक है, लेकिन मुझे ग्राफिक शो करना है, मतलब कि मुझे चार्ट के जरिए इसको रिप्रेजेंट करना है, तो चार्ट में क्या होगा कि एवरेज नीचे चला जाएगा और सैलरी ऊपर चला जाएगा, तो कंपेयरिंग करने में दिक्कत हो जाएगी ना, कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम एवरेज का चार्ट अलग चाहते हैं और सैलरी का चार्ट अलग चाहते हैं, तो एक पिवट पे होना मुश्किल है, लंबी है, मैनुअल वर्क करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। उससे हम उतना झंझट ना करके हम क्या करते हैं, हम एक और पिवट लगा देते हैं। अब मुझे इसी में पिवट लगाना है तो पिवट टेबल में हमने इंसर्ट किया। तो आपको अगर पर्टिकुलर सीट सिक्स पे करना है तो यहाँ पे सीट सिक्स पे जा सकते हैं, क्लिक कीजिए और यहाँ पे सीट सिक्स में जहां पिवट लगाना है उसका पार्ट दे दीजिए, कोई भी पिवट लगेगा। लेकिन मान लीजिए गलती से आपका न्यू वर्कशीट सिलेक्ट हुआ और आपका पिवट एक नया फाइल पे लग गया और आपने नया फाइल पे लगा लिया पिवट सैलरी का एवरेज, राइट। लेकिन मुझे इसको तो चाहिए सीट सिक्स पे, तो मैं इस पिवट टेबल को मूव कर सकता हूं, मूव पिवट टेबल सीट सिक्स और हमने लोकेशन दे दिया, मेरा पिवट टेबल सीट सेवन से सीट सिक्स पे मूव हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक और पिवट टेबल लगाना है तो क्या हर बार मुझे इसी तरह से करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, आप इसको कॉपी करके भी रख सकते हैं। कॉपी पेस्ट किया तो भी पिवट कॉपी हो गया, राइट सर। और इसमें हम काउंट ऑफ नेम ले लेते हैं क्योंकि मुझे हेड काउंट चाहिए। अब मैं इसकी ग्राफिक्स में हर किसी का अलग अलग चार्ट क्रिएट करता हूं, और चार्ट का यहां डिजाइन में जाता हूं, और इसको कट करता हूं और अपने समरी में पेश कर देता हूं। और ये डिपार्टमेंट सम ऑफ सैलरी से शो कर रहा है ना, इसके लिए मैं यहां पे हाइड बटन ऑन चार्ट कर देता हूं, हाइड हो जाएगा। फिर मैं वापस सीट सिक्स पे आता हूं, और फिर मैं इस पे दूसरा चार्ट लेता हूं और इस पे इस चार्ट का भी डिजाइन आगे से मैं चार्ट पढ़ाऊंगा तो खुद की डिजाइन भी सिलेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल प्री रिकॉर्डेड डिजाइन जो है उसी को आप इस्तेमाल करें और फिर इसको कट करके आप समरी में ला सकते हैं। कट करने में क्या होगा, कनेक्टेड आपका पिवट से ही होगा, आप उसको मूव कर सकते हैं क्योंकि एक ही सीट पे डेटा और पिवट दोनों रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए हाइड कर देता हूं। और तीसरा पिवट के लिए इसमें भी इंसर्ट करता हूं अपना
इसमें मैं लाइन चार्ट ले लेता हूं और इसको मैं यहां डिजाइन में जाता हूं, लाइन को सिलेक्ट करता हूं और यह बटन को मैं यहीं पे अनहाइड कर लेता हूं और कट करके समरी पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ये। अब मैं इसको अलग अलग एंगल से देखना चाहता हूं, तो अब पिवट टेबल पे आते हैं। तो पिवट टेबल पे मैं यहां पे स्लाइसर ऐड करता हूं, स्लाइसर, और स्लाइसर्स में मान लीजिए मैं मंथ, मुझे मंथ वाइज चाहिए, परफॉर्मेंस स्कोर वाइज चाहिए, सिग्नल पे चाहिए, तीन एंगल से देखना है, तो इसको हमने कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने मान लीजिए अप्रैल सेलेक्ट किया तो यहां भी सिर्फ एक ही सीट से एक ही पिवट सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अप्रैल पे क्लिक किया तो मुझे तीनों पिवट का सेम अप्रैल दिखना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आपको हर पिवट पे जाना होगा और डिजाइन में जहां पे आपने स्लाइसर ऐड किया है पिवटेबल एनालाइज के अंदर में, तो यहां पे आपको फिल्टर कनेक्शन दिखेगा। फिल्टर कनेक्शन पे जाए, और यहां पे आपने फिर अब यहां पे देखिए कि एक ही डेटा पे दूसरे सीट पे पिवट लगाया ना, वो भी फिल्टर आ गया। ठीक है, आपको सीट फोर का, लेकिन मुझे सीट सिक्स का चाहिए तो मैं सीट सिक्स का सिलेक्ट करता हूं, राइट। और यहां भी मैं आता हूं और फिल्टर कनेक्शन, तो जितने आपने लगाए हैं पिवट, अगर आपको अपने स्लाइसर से ऐड करना है उन सबको फिल्टर कनेक्शन में जाके चेकबॉक्स पे क्लिक कर दो ताकि कनेक्ट हो जाए। हो गया। अब मैं अगर फैब पे क्लिक करूं तो फैब आएगा, मार्च पे करूं तो मार्च आएगा, मई करूं तो मई आएगा, और जैसे हमारा डेटा चेंज होगा हमारा समरी पे जो चार्ट है वो चार्ट भी अपने आप को चेंज कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं मुझे फिल्टर पे मैंने कि क्लिक करने के लिए यहां आना पड़ेगा, जरूरी नहीं आप स्लाइसर्स को कॉपी करें, उसको कट कर दे, कट कर ले या कॉपी कर ले, आप अपने समरी शीट पे जहां आपने अपनी ग्राफिक्स को रख रखा है वहां पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसकी भी अपनी सेटिंग है, अपनी सेटिंग इसको भी कर सकते हैं। जब मैंने इसको यहां से बड़ा कर देता हूं और इसकी यहां पे स्लाइसर्स का भी अपना अपना प्रॉपर्टीज है, उसमें कॉलम टू कर दिया, थ्री कर दो, तो ये थ्री कॉलम में आ गया आपके साथ। ठीक है, इसकी अपनी भी फॉर्मेटिंग वगैरह है, कलर वलर है। अब मैं अगर मान लीजिए फैब सेलेक्ट करूं तो पूरा डेटा फैब पे हो जाएगा। ठीक है सर, जी सर, एक डैशबोर्ड की तरह काम कर रहा है, तो एक डेटा में आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर एनालिसिस कर रहे हो और उसको अलग अलग एंगल्स पर चेंज करके चेक करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो स्लाइसर्स। किसी को डाउट किसी भी तरह का? सर, नहीं सर, इसको सर इसको जैसे कि बड़ा एलईडी में लगाना हो तो हम सर फाइल मेनू ये सब को हाइड कर सकते हैं क्या? किसको हाइड करना है आपको? जैसे कि चार्ट है ना सर, हाँ, इसको सिर्फ सिंगल एलईडी में दिखाना है चार्ट को ही, ऊपर का जो फाइल मेनू है वो इंसर्ट मेनू सबको हाइड कर सकते हैं सर? इसको ये मेनू बार को बोल रहे हैं आप? जी सर, इसको हाइड कर सकते हैं। हाँ, कोई बड़ा एलईडी में दिखाना है तो नहीं, इनका कहने का सर जैसे प्रेजेंटेशन देते हैं ना खाली, सिर्फ इनको ग्राफिक्स दिखाने हैं खाली। जी अच्छा, ग्राफिक्स दिखाने हैं सर, उसका अलग तरीका है, वो आपको बता दूंगा मैं, वो हम एम्बेड कर लेते हैं चार्ट को। ठीक है ना, तो पीपीटी की तरह जूम होकर दिखता है। अच्छा ठीक है, बता दे रहे सर उसका भी।
जब मैं बताऊंगा आगे, अभी इसका इसका पार्ट नहीं, उसका अलग चैप्टर है। ठीक ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक जिप फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। फाइल में तकरीबन 50 से ऊपर वीडियोज है, वीडियोज मार्क फाइल्स है। अच्छा, वो फाइल्स में इसी तरह का रिपोर्ट बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट बने हुए हैं वीवीए से, कुछ रिपोर्ट बना हुआ है फॉर्मूला से, कुछ रिपोर्ट बना हुआ है स्लाइसर से। तो उसमें जो जिसकी फाइल की एक्सटेंशन डेक्सलेस एम होगा ना, माइक्रो अनेबल, उसको छोड़ दीजिएगा। जो एक्सलेस एक्स होगा उसको ओपन कीजिएगा, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। स्लाइसर से पिवट यूज नहीं होता है, स्लाइसर का यूज हम लोग जो है टेबल पे भी करते हैं और उसके जरिए भी हमारी रिपोर्ट बनती है। अच्छा, कैसे बनती है? दो मिनट दीजिए, मैं पहले मेल कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो क्या खुल गया आपने? फॉरवर्ड इसमें है आपके, कुछ प्रॉब्लम है, मैं तब तक वापस आता हूँ, बाद में देखता हूँ। अब इस पे हम जो है यहाँ पे मान लीजिए इसको मान लीजिए फिल्टर लगाते हैं आप, तो करता काम फिल्टर कर दिए, तो फिल्टर आपको यहाँ एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ता है ना फिल्टर, क्या सर? इस तरह से। तो आप यहाँ डेटा के फिल्टर लगाने के लिए भी आप स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको फिल्टर को डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो। जैसे वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, स्लाइसर इस पे आपका आ जाएगा। स्लाइसर में मैंने इसको मंथ दे दिया, डिपार्टमेंट दे दिया, जिस जिसका अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो वो हमने यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है? अब मैं अगर मान लीजिए कि डिपार्टमेंट में आईटी सेलेक्ट करता हूँ तो आईटी का पूरा डेटा आएगा, आईटी में जून सेलेक्ट करता हूँ तो जून का डेटा आएगा, ठीक है? अब इसकी मदद से एक रिपोर्ट बनाई गई है, मैं वो रिपोर्ट दिखाता हूँ। हालांकि मेरा वो बनाया हुआ नहीं है, किसी और का है, बट मैंने इसको समझा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको एज ए टॉपिक एग्जाम्पल में रख लिया। इसमें आपका मनोज और इसमें आपके सामने आ गए उमेश यादव जी, यूके अच्छा यूके से यूके और ईशान है। ये फाइल है, ये ना सर, फाइल मैंने भेज दिया आप लोग। अब वापस आते हैं अपने डेस्क पर, देखिए वही डेटा है जिस तरह मैं पीपल आपको बता रहा था ह्यूमन रिसोर्स का, जिसमें नेम हायर डेट वगैरह है। अब इसमें इन्होंने डैशबोर्ड के जरिए कंपेयर किया है बिटवीन टू डिपार्टमेंट, बिटवीन ऑल एम्प्लॉय। तो इसके तीन सेक्शन है, सेक्शन वन, सेक्शन टू और यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय। तो ऑल एम्प्लॉय 100 है, जिसकी मिनिमम सैलरी 20,000 है, एवरेज सैलरी 62,000 है, मैक्सिमम 1,49,000 है, टोटल पेबल ये है।
ऐसे बोनस का, ऐसे ओवरटाइम का, ऐसे परफॉर्मेंस स्कोर का, ऐसे सिक डेज का। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने सेल्स को सिलेक्ट करा था या आईटी को सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने यहाँ से आईटी को सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे यहाँ पे आईटी का टोटल दिख गया कि आईटी 15 है, इसकी मिनिमम सैलरी 38,000 है, मैक्स एवरेज 68,000 है और मैक्सिमम इतना है, टोटल सैलरी इन्होंने ये पे किया है बाकी चीज। अब इस सेक्शन में मान लीजिए कि आईटी के साथ मैं कंपेयर करना चाहता हूँ फाइनेंस का, तो फाइनेंस को सिलेक्ट किया, फाइनेंस में 10 एम्प्लॉई है, 20,000 मिनिमम सैलरी है, मैक्सिमम 1,00,000 है, टोटल 5,54,000 है सर। तो ये कंपेयर हो रहा है ना, तो ये जो है ये जो दिख रहा है ये स्लाइसर है, आपको मैं सर उमेश जी, हाँ जी सर, ये है स्लाइसर है। तो इसमें पिवट नहीं लगाया गया, इसमें लगाया गया है टेबल पे लगाया गया है, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेटा 1 एंड डेटा 2, मतलब कि पहले सेक्शन के लिए ए सीट है, दूसरे सेक्शन के लिए ए सीट है, दूसरे सेक्शन ये रहा। जब मैं यहाँ पे आईटी पे मान लीजिए मैंने इसको सेल्स पे क्लिक किया, तो इसने ह्यूमन रिसोर्स सीट पे गया और सिर्फ फिल्टर किया सेल्स को, देखा सर जी। और उसके बाद ऊपर एग्रीगेट का फॉर्मूला लगा हुआ है जो कि कैलकुलेशन करता है सिर्फ विजुअल सेल्स पे, दिख रहा है मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम एवरेज सैलरी, मैक्सिमम टोटल काउंट, दिख रहा है ऐसी बोनस है ओवरटाइम, हाँ जी दिख रहा है ना। और इसी डेटा को एक फॉर्मेट बे में डैशबोर्ड पे लिंक कर लिया गया, देखिए रिसोर्स C7 एक सिंपल मेथड है, लेकिन इस तरह से बना दिया गया ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एक एग्जांपल दिखने में तो वही है, देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं इतना। हाँ, एक एग्जांपल फाइल जो है हमने आपकी उस इसमें डाला हुआ है, तो आप बैठ कर तसल्ली से देखें कि किस तरह से रिपोर्ट बनाई गई है और आप भी बनाने की कोशिश करें, ठीक है। कल के डेट में हम आपसे डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप, हमें अगर दो डेटा पे पेमेंट करना हो तो कैसे। हाँ जी ठीक है सर, ये रिकॉर्डिंग जरा भेज देना सर प्लीज, ठीक है मैं अभी थोड़ा देर में रिकॉर्ड करके देता हूँ। हाँ सर, ये वाली और एक वो प्राइवेट कैलकुलेशन वाली थी ना। अच्छा ठीक है, वो भी ढूंढना पड़ेगा, वो तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सर ये वाली भेज देना अभी, क्योंकि सर मैं थोड़ा लेट भी आया, थोड़ा देख लूंगा मैं, ये तो भी भेज देता हूँ अभी, 15 मिनट मिल जाएगा। ठीक ठीक है सर।